आज देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाएं बिना जात पात, बिना धर्म संप्रदाय का भेदभाव किए सभी पात्र लोगों तक ईमानदारी से पहुंच रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालने के साथ अनेक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी और प्रमाण पत्र भेंट किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में लंबित बैतालपुर चीनी मिल प्रकरण निस्तारित होते ही वहां शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए धन हमारी सरकार अलग सुरक्षित रखे हुए है। इस कॉम्प्लेक्स में चीनी और अन्य उत्पाद के साथ ही बिजली बनाने का काम होगा। उन्होंने होली की अग्रिम शुभकामनाएं देने के साथ इस बार भाजपा को 370 पार और एनडीए घटकों सहित 400 पार सीटें जिताने का आह्वान भी किया। सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप इन विकास योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा। अभी मैं देख रहा था कुछ बेटियों को यहां मंच पर हम लोगों ने यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए, यानी हर तबके के लिए उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुरूप योजना लेकर के डबल इंजन की सरकार आई। यानी कहने के लिए विकास भी है और विरासत भी है। कोई सोचता था, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये लोग बना पाते? क्या